नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन कश्यप और आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो किसी बीमारी के ऊपर नहीं है बल्कि सभी बीमारियों की जननी के ऊपर है। मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर दिया करते हैं या फिर डाइजीन टैबलेट सीरप दवा भूसी इन सभी से अपने कॉन्स्टिपेशन को दबाने की कोशिश करते हैं या खाने को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा भ्रम में डालने वाली वो कंपनियां हैं जो ऐड द्वारा ये दिखाने की कोशिश करती है कि आप ब्रेड पकौड़ा खाओ या समोसा, बस हमारे कंपनी की ये दवा को पी लो तो आप कुछ भी खा सकते हो। जैसे थके हुए घोड़े को चाबुक मार के भगाया जाता है, उसी तरह से आप इन दवाइयों को लेकर अपने साथ करते हैं। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको इतने सालों से कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, फिर भी उनको ये तक नहीं पता होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन के साथ इतनी आदत पड़ गई है कि जीने की वो भूल चुके हैं कि पेट साफ कैसे होता है या फिर पेट साफ होने के बाद कैसा महसूस किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के मेन लक्षण बताऊँगा, उपचार बताऊँगा और इसको क्योर करने के लिए कौन से योगासन करने चाहिए, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है। पेट साफ ना होना, साफ होने के बाद भी हल्कापन महसूस ना होना, मल गांठ या टुकड़ों के रूप में होना, जीभ सफ़ेद या मटमैली रंग की होना, मुंह से बदबू आना, बदबूदार गैस पास होना जिसकी वजह से सिरदर्द, आलस, चिड़चिड़ापन, मुँह पर मुहासे, आँखों के नीचे डार्क सर्कल आना। इन डार्क सर्कल और मुहासे को सही करने के लिए ऐश्वर्या राय द्वारा बताई जाने वाली कितनी ही क्रीम चाहे आप क्यों ना लगा लो, पर ये तब तक ठीक नहीं होने वाले जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। इसी के साथ कुछ बड़ी बीमारियां आपको मुफ्त में ही मिल जाती है अगर आपने अपने कॉन्स्टिपेशन को इन दवाइयों द्वारा 5 साल, 10 साल, 15 साल तक दबाते रहे तो। ऐसी ही मेरी एक क्लाइंट है जिनको मैं योगा कराने जाता हूँ, उन्हें 20 साल पहले तक कोई बीमारी नहीं थी, एक मामूली सा कॉन्स्टिपेशन हुआ था, लेकिन आज उनका थायराइड 20 साल के बाद थायराइड ग्लैंड ख़राब हो गया है। आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा थायराइड के ऊपर जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था थायराइड आपके बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। आज उनकी हार्ट बीट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, अब उनको आर्थराइटिस के लक्षण भी दिख गए हैं। इसी के साथ मोतियाबिंद आर्थराइटिस और बालों का झड़ना भी, ये सभी बीमारियां आपको कॉन्स्टिपेशन को दबाने से मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्टिपेशन को दबाना, दवाइयों द्वारा दबाना कितना घातक या जोखिम भरा हो सकता है। अब इसके कारण क्या है? सबसे पहले टाइम पर ना खाना, काफ़ी सारी वैरायटी एक साथ लेना, रेशेदार भोजन की कमी, बासी या गरिष्ठ भोजन करना, व्यायाम की कमी, मलमूत्र के वैक को रोकना, टेंशन, चिंता, भय भी इसका इतना ही बड़ा रीज़न है, दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, ये सारे रीज़न कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने के हैं। अब इसका उपचार क्या है? इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले बताए गए कारणों को ख़त्म करो तो आपका 50% कॉन्स्टिपेशन तो ऑलरेडी ठीक हो जाएगा, बाकी बचा 50% को पालक के रस, व्हीट ग्रास रस और आंवले का रस जो पूरी तरह से सक्षम है कॉन्स्टिपेशन को जड़ से ख़त्म करने के लिए, और सप्ताह में एक बार लिक्विड डाइट जिसे मैं डिटॉक्स डाइट भी कहता हूँ, जिसमें सीजनल फलों के रस और हरी सब्जियों का रस, नींबू पानी, नारियल पानी ले। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो अनकुक्ड डाइट वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। और रात में रखा हुआ चांदी या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह खाली पेट घूट घूट करके पिए। अब इस कॉन्स्टिपेशन को जल्द से जल्द क्योर करने के लिए कौन से योगासन करने चाहिए, मैं 5 ऐसे योगासन आपको बताने वाला हूं जो आपके कॉन्स्टिपेशन को जड़ से पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं इन आसनों को। दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम सर्पासन, जिसे भुजंग आसन भी कहा जाता है और इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाइए, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास में या शोल्डर के नीचे रखेंगे, उसके बाद हिप्स को जितना नीचे तक ले जा सकते हैं ले जाएं, अपनी नाभि को मैट से टच करने की कोशिश करेंगे और एल्बो को थोड़ा सा बेंड रहने देंगे इस तरह से, और शोल्डर को ऐसे नहीं करेंगे, इसमें शोल्डर को पीछे की तरफ रखेंगे और जितना हो सकता है पीछे की तरफ मुड़ेंगे। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, पर कम से कम 1 मिनट तक इसमें
जरूर होल्ड करें। ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए पहला आसन है। और दूसरा आसन करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे, ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन कहते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर इस तरह से पलटेंगे और सिर के ऊपर सीधा और राइट साइड में जितना नीचे तक जा सकते हैं जाएं और होल्ड करें। कम से कम 30 सेकंड तक आप होल्ड जरूर करें। पांचों आसन को कम से कम 5 मिनट या 6-7 मिनट का समय जरूर दें। इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे। मैं आपको यहाँ पर 10-10 सेकंड या 15-15 सेकंड होल्ड करके दिखा रहा हूँ, पर आप इसे 30-30 सेकंड या 1-1 मिनट तक होल्ड जरूर करें। फिर वापस सेंटर में आ जाए और दोनों हाथों को साइड से नीचे करें। ये था सेकंड आसन, ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। आप करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर की रेंज में सामने की तरफ, हथेली आमने सामने होंगी इस तरह से। अब क्या करना होगा, राइट साइड में इस तरह से मुड़ते जाएंगे अपनी लोअर बैक से। ध्यान रहे आपके घुटने बिल्कुल भी नहीं मुड़ने चाहिए। जैसे जैसे आप मुड़ते जाएंगे आपका बायां हाथ दाएं शोल्डर के पास आ जाएगा और बैक से जितना मुड़ सकते हैं मुड़ेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। इससे आपकी पूरी इंटेस्टाइन खिंचती है। बहुत अच्छा आसन है आपके कॉन्स्टिपेशन को सही करने के लिए। यहाँ पर इसे होल्ड करेंगे, फिर धीरे से सामने की तरफ सेंटर में आएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड। अब बायां हाथ दाहिने शोल्डर पर आएगा, लोअर बैक से घूम जाएंगे और आपके घुटने बिल्कुल भी नहीं मुड़ने चाहिए। सिर्फ लोअर बैक से आपको घूमना है जिससे आपके पूरी इंटेस्टाइन पे खिंचाव पड़े। फिर वापस इनहेल करते हुए सामने की तरफ और नीचे। इसमें भी 1-1 मिनट तक होल्ड करें। थर्ड आसन। अब हमारा फोर्थ आसन है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने के लिए दोनों हाथों को सिर के ऊपर सीधा ले जाएंगे, हाथों का रुख सामने की तरफ होगा इस तरह से, और एक्सहेल करते हुए कमर को सीधा करते हुए नीचे की तरफ मुड़ेंगे और दोनों हाथों को दोनों पैरों के बगल में रखेंगे इस तरह से, और हेड को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। आपके घुटने सीधे रहे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप पूरा नीचे नहीं जा पाते तो आप जितना जा पाते हैं उतना जाएं, उसके बाद धीरे धीरे नीचे। अगर आपका हाथ नीचे नहीं जाता तो आप अपने पैरों पर इस तरह से ग्रिप बना सकते हैं या काफ मसल पर ग्रिप बना सकते हैं और बॉडी को नीचे की तरफ खींचें। 1 मिनट तक होल्ड करें, फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधा और साइड से हाथ नीचे। ये था फोर्थ आसन, पाद हस्तासन। अब आखिरी आसन है कौवा चाल आसन कहते हैं इसे, उधर कर्षणासन भी कहते हैं। इसमें उकड़ू आपको बैठना है, घुटनों के बल पर इस तरह से बैठ जाइए, पैरों में एक फीट का फासला दें। अब दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर रखें और राइट वाले घुटने को लेफ्ट वाले पंजे की तरफ इस तरह से ले जाएं। बैक को सीधी करेंगे और जो घुटना आपका ऊपर है उसकी तरफ इस तरह से मुड़ जाएंगे और होल्ड करेंगे। ये आसन भी आपके इंटेस्टाइन पे खूब प्रेशर डालता है, उसके अंदर का जमा हुआ मल को आगे की तरफ पुश करता है। और इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे, यहाँ पे भी होल्ड करेंगे। कम से कम 1-1 मिनट तक का होल्ड करें, फिर धीरे धीरे वापस सेंटर में आ जाएंगे। इन पांचों आसनों को आप 2 ग्लास गर्म पानी पीकर करें तो ये पांचों आसन का इफेक्ट बहुत ही अच्छा होगा। और इसके साथ ही बताई गई डाइट को अच्छे से फॉलो करें और इन पांच आसनों को भी अच्छे से फॉलो करें। अगर आप इसी तरह का कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।